शैतान का काम है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, वइम्मा तुरिदन अनहुम इब्तिगा रहमतिम मिन रब्बिक, बाज़ दफ़ा कोई रिश्तेदार, कोई गरीब मिस्कीन तुम्हारे पास आता है, उस वक्त तुम्हारे पास पैसे नहीं है, वो हो मुस्तहिक, वो पेशावर भिखारी की बात नहीं हो रही, खूब समझ लो, उस वक्त पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है बाद में पैसे आ जाएंगे, तो उससे नरम बात कह दो कि भाई अभी नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद है कल इंतजाम हो जाएगा, तो कल मैं तुम्हें दे दूंगा। देखो कैसे अल्लाह कहां कहां तक समझा रहे हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया, ना अपने हाथ को गर्दन से बांधो, कंजूसी कंजूस बन के जिंदगी गुजारो कि जी वो अलमारी से रोटी लगा लगा के, बहुत पुराना लतीफा हो गया, एक कंजूस आदमी को बच्चे कहते थे, अब्बा देसी घी लेकर आ, देसी घी लेकर आ, अब्बा कंजूस, उसने कहा महंगा है। बहरहाल एक दिन अब्बा घी का डब्बा ले आए, जब भी कोई ऑयल या घी का डब्बा होता है बाहर भी चिकनाहट होती है, तो अब्बा ने कहा बेटा घी के डब्बे से लगा लगा के खाओ, जब तक बाहर मुकम्मल खत्म ना हो जाए ना डब्बा नहीं खुलेगा। वो बच्चे बेचारे सुबह नाश्ते में ना डब्बे को चाट रहे, अब इसको सफर पे जाना था तो ये डब्बा अलमारी में बंद करके चला गया कि कमबख्त खोल ना लेंगे। कई दिनों के बाद वापस आया तो बच्चे से पूछा कि बच्चों तुमने घी का डब्बा खोला तो नहीं? नहीं अब्बा हमने नहीं खोला। बेटा फिर नाश्ता कैसे करते थे? अब्बा अलमारी से रोटी लगा लगा के खाते थे, वो भी कंजूस के बच्चे थे ना अब्बा अलमारी से रोटी लगा लगा के खाते थे। उसने रख के एक थप्पड़ लगाया, बगैर तो कुछ दिन घी के बगैर सबर नहीं हो सकता था। ये क्या है? हाथ गले से बांध लेना। ला तजअल यदाका मगलूलतन इला उनुकिक, अपने हाथों को गर्दन से मत बांध, दिया अल्लाह ने उड़ाओ यार, खर्च करो, लेकिन वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, ऐसे हाथ भी ना फैला दो, ऐसा ना हो कि अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना शुरू कर दिए, जैसे शादियों में लोग उड़ा रहे होते हैं ना, एक वली में मैं ऐसा पैसा उड़ाया, फिर मुझे आके कह रहे होते हैं आप दूसरी शादी की बात करते हो, खर्चा एक में इतना हो जाता है। भाई तुमने जिस स्टाइल में वलीमा किया इसमें इसमें थोड़ी, इसमें तो एक भी नहीं होती, जो तुम जो जिस तरह के खर्चे कर रहे हो ऐसे उड़ा रहे होते हैं जरा जरा सी तकरीबात पर, उसके बाद कुछ है ही नहीं। अच्छा ये खूब समझ लो, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करेगा। बाज़ दफा लोग कह रहे होते हैं वो फला मालदार ने डिफेंस में इतने बड़े होटल में वलीमा किया है और इतना लग्जरी खाना, ये तो इसराफ है। भाई उसकी करोड़ों की आमदन है, उसके लिए ये दाल चावल है, ठीक है ना? तो ये जो इसराफ की डेफिनेशन है ना, ये हर एक के हक में मुख्तलिफ है। जिनको ज्यादा दिया उनके लिए कुछ भी नहीं है, जिनको कम दिया उनके लिए तो दो देगे भी हो सकता है बहुत हो। तो इसराफ में कभी किसी को देख के कि इतना जबरदस्त इसने इंतजाम कैसे कर लिया, तो वो उस पर आप नहीं हुक्म लगा सकते। उसकी हर आदमी अपनी आमदन के हिसाब से खर्च करता है और करना भी चाहिए। एक करोड़पति आदमी अगर दाल चावल खिलाएगा तो ये कंजूसी है, और एक गरीब आदमी जिसके पास दाल चावल के पैसे भी नहीं है वो दाल चावल भी खिलाएगा तो ये क्या है? इसराफ है। तो इसराफ की डेफिनेशन हर एक को देखकर मुख्तलिफ होती है। जल्दी से मुकम्मल कर लूं। आगे अल्लाह ने फरमाया, वला तक्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, गुर्बत के खौफ से अपने बच्चों को कत्ल मत करो, नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी रोजी देंगे और तुमको भी देंगे। उलमा ने इस आयत के तहत लिखा है कि हमल गिरा देना यह भी हराम है, इसी आयत की रोशनी में, इस खौफ से कि मैं खर्चे कहां से पूरे करूंगा। आज बहुत से लोगों की कॉल आ रही होती है, भाई मुझ साहब मेरे दो बच्चे हैं, एक्चुअली उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, एक्चुअली ये हो रहा है, अभी फिर प्रेगनेंसी हो गई सब इस महंगाई के दौर में। भाई अल्लाह कह रहा है कि नहीं इजाजत आपको, रिस्क किसके जिम्मे है? जब बच्चा पैदा होता है माँ की छातियों में दूध आता है तो अल्लाह देगा। आप कहते हो भाई दूध ही जरूर नहीं है ना, आगे भी तो है बहुत सारे मसाइल, तो अल्लाह ने दूध एक साइन अलामत के तौर पे कि अभी इसकी जरूरत हो, अभी ये दे रहा हूं, इसका मतलब जब जो जरूरत होगी वो मैं दे दूंगा। तो ये फैमिली प्लानिंग वालों के नजरियात से बिल्कुल मुतासिर मत हो। औलाद का मामला कैलकुलेटर से नहीं है कि इतने हो गए तो इतनी तनख्वाह है तो इतने हो सकते हैं, इतने, ये गोरों का काम है, मुसलमान को इसकी इजाजत नहीं है। हमारी औलाद अल्लाह की मखलूक पहले है, हमारी औलाद बाद में है। समझता है कि नहीं समझता है? आगे अल्लाह फरमाते हैं, वला तकरबु जिना, जिना के करीब भी मत फटको। देखो जितने भी अहकाम अल्लाह ने बताए ना उसमें किसी में ये नहीं कहा कि इस जुर्म के करीब भी मत जाओ, वाहिद एक जिना है जिसके बारे में कहा इसके करीब भी मत जाओ, क्योंकि जो करीब जाता है वो जिना कर लेता है। करीब जाने का क्या मतलब? मोबाइल में लड़कियों के नंबर रखे हुए हैं, ब्लॉक कर दो नंबर सारे, ब्लॉक करने से पहले एक मैसेज भेज दो, ये ऑप्शन कि भाई अब मैं शादी करना चाहता हूं,
आप अगर मेरी वाइफ बनना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज नंबर क्या हो रहा है, ब्लॉक। फिर दूसरी को भेजो, फिर मसरत को भेजो, फिर कायनात को भेजो, फिर राहत को भेजो। वो है ना लतीफा, मैं बहुत दफा सुन लिया, यही होता है ना। ये सारी लेडीज जिनके नंबर आपने सेव किए हुए हैं इनको, वरना फिर वही होगा जो उस बंदे के साथ हुआ था। एक बंदे की शादी हुई, बेगम को कह रहा है कि आज से तुम मेरी कायनात, तुम मेरी मसर्रत, तुम ही मेरी राहत और तुम ही मेरी फरहत। वो तो वैसे ही कह रहा है, वो समझी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम बता रहा है। तो फौरन कहती है, अच्छा फिर तुम ही मेरे गफ्फार भी, तुम ही मेरे सत्तार भी, तुम ही मेरे वसीम भी, तुम ही मेरे गफूर भी, सब कुछ तुम ही। वो हैरान, यार ये क्या हो रहा है मार्केट। तो वो राज फिर उगलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। पाक दामनी वाली जिंदगी गुजारो। तो अल्लाह फरमाते हैं जिना के करीब भी मत फटको, ये बहुत बड़ा गुनाह है, और किसी इंसानी जान को कत्ल मत करो। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला तकरबु माल यतीम, यतीम के माल के भी करीब मत जाओ। यहां भी करीब जाने का, करीब जाना का, यतीम किसे कहते हैं, आपके भाई की डेथ हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो चचा उन बच्चों की विरासत खा जाता है, बड़ा भाई छोटे भाइयों की विरासत खा जाता है। यतीम का मतलब ये नहीं कि ईदी सेंटर से यतीम बच्चों के चप्पल कोई चोरी कर रहा है जाके, ये अरबों में नहीं होता था। यतीम का मतलब है कि जब बाप मर गया तो छोटे बच्चों की विरासत रिश्तेदार खा जाते हैं। अल्लाह कहते हैं ये काम मत करना। वाउफ अल-कैल इज़ा किल्तुम, नाप तोल में कमी मत करो। अपना हक लेने की बारी आती है तो पूरा हक लेते हो, देने की बारी आती है तो डंडी मारते हो, ऐसा मत करो। औफो बिल अहदी, मुआहिदों और एग्रीमेंट को पूरा किया करो। आगे ला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्मुन, जब तक मुकम्मल नॉलेज ना हो, किसी चीज के दर पे ना हो, तबसरा मत किया करो। फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। कल मुझे किसी ने पोस्ट भेजी किसी ऑफिसर के बारे में कि वो ये करोड़ों रुपए खा गया और ये कर रहा है। मैंने कहा आपने खुद अपनी आंखों से देखा है कितने रुपए खा गया वो, अपनी आंखों से देखा है? कह रहे नहीं मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन ये देखो सबूत है। मैंने कहा इन सबूत को तज्जिया आपको एनालाइज करना आता है, आप तज्जिया करना आता है, आप जजो। कह रहे यार, मैंने कहा क्यों बिला वजह कुछ भी चला दो, मार्केट में फैल जाता है, सच बहुत कम बोला जाता है। तो कभी किसी की बातों में आके किसी को तबसरा करना, किसी इदारे को बुरा कहना, किसी फर्द को बुरा कहना, ये अपनी जिंदगियों से हमेशा के लिए क्या कर दो, खत्म। जब तक दो और दो चार की तरह वाज़े दलाइल आपके पास ना हो, किसी को भी बदनाम करना हो ना, फेसबुक पे आप पोस्टें चला दो, फैल जाती हैं। लोग कह रहे हैं ये देखो क्या कर रहा है, पहले ये तो देखो कि इसने ये मेरे बारे में भी चलाते हैं, कभी इमरान खान के बारे में, कभी मौलाना फजल रहमान के बारे में पोस्ट। मैं बैठा हूं मुझे पता ही नहीं, मेरी एक पोस्ट आ जाएगी इमरान खान इमाम मेहदी में कोई फर्क ही नहीं है, ऐसी जबरदस्त पोस्ट चला देंगे। पीटीआई वाले जिंदाबाद मुफ्ती, ये वाली आई नहीं, इससे मिलती जुलती, पीटीआई वाले जिंदाबाद मुफ्ती तारिक मसूद जबरदस्त। दूसरी आ जाएगी मौलाना फजल रहमान ऐसे है कुछ उल्टा सीधा। जयुआ वाले अबे इसकी ऐसी की तैसी, अबे इसकी है ना, मैंने उधर कुछ कहा होता है ना, मैंने जो मैंने तकरीरें की हुई हैं वो पड़ी हुई हैं, वो वीडियो है वो सुनो, वो उसका मैं जिम्मेदार हूं। एक मेरी पोस्ट किसी ने चला दी कि यजीद जन्नती है, नीचे शियों की गालियां दबा के। अबे तुम तहकीक तो करो, मैंने बोला भी है कि नहीं बोला। आगे है कि क्योंकि कुस्तुंतनिया की लड़ाई में वो शरीक था, लिहाजा वो क्या है, जन्नती। शिया लोगों ने दबा के गालियां लिखी है, ये यजीदी है, ये फलाना है। भाई तुम तहकीक तो करो, ये किसने चलाया है, हमारे ऑफिशियल चैनल से तो कोई पोस्ट नहीं चली। अब तक वो यही समझ रहे हैं कि ये क्या है, यजीद को जन्नत, ना मैंने उसको जन्नती बोला, ना मैंने उसको जहन्नम भी बोला, कुछ भी नहीं बोला मैंने, इस पर तबसरा ही नहीं किया। पोस्ट दबा के कुछ भी उठा के डाल दो ना, हमारी कौम में ये शऊर नहीं है कि तहकीक करें ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो चलाते रहते हैं मार्केट में। हाँ, हमारे जो वीडियो बयान आते हैं उसका मैं जिम्मेदार हूं भाई, जो मैंने बोले हैं उसका मैं जिम्मेदार हूं। आप वो वीडियो कटिंग उसको भी कट करके ना चलाओ। अभी एक तरावी का बयान कट करके चलाए हुए लोगों ने, तरावी के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई तादाद साबित नहीं है, इधर टक यहां रोक दिया। और इतनी बात कि भाई अगर सिर्फ हदीसी को देखना है तो फिर तो गांधी साहब सही कह रहे हैं, यहां कट किया। देखो मुझे साहब कह रहे हैं, गांधी साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन पूरी बात आगे। अच्छा, इस पे इतना प्रोपेगंडा हुआ, फिर जामे तो रशीद में हमारे उस्ताद हैं मुफ्ती मोहम्मद साहब, उनसे बाकायदा सवाल पूछा गया कि मुफ्ती साहब ने ये बोला है कि हदीस में तो कोई तस्करा ही नहीं मिलता, साबित ही नहीं है। फिर उन्होंने उसका जवाब दिया, इतना प्रोपेगंडा। हदीस में तबसरा नहीं मिलने का मतलब यह है कि सनद के लिहाज से कोई सही हदीस हमारे पास मौजूद
नहीं है कि जो नबी ने 3 दिन तरावी पढ़ी थी कितनी रकतें थी, लेकिन हजरत उमर का अमल बताता है कि नबी ने 20 पढ़ी होंगी। तो नबी से साबित होने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक है तवातुर, सहाबा का अमल, वो खुद बताता है कि नबी ने क्या किया है। एक है हद्दसना फुलान के साथ कोई सनद, बहुत सारे शरीयत के हकाम आते हैं हदीस में नहीं मिलते, सहाबा से पता चलता है। रुकू में जाके जब हम खड़े होते हैं हाथ छोड़ना है हाथ बांधना है, हदीस में कोई तस्करा नहीं है, लेकिन पूरी उम्मत क्या करती है हाथ छोड़ती है। क्यों? तवातुर अमली है, उम्मत का अमल बता रहे कि नबी ने हाथ छोड़े होंगे। हम ये जो औरतें हैं सफा मरवा में दौड़ती नहीं है, चलती हैं, नबी से तो कुछ भी साबित नहीं है, ना हजरत आयशा से साबित है कि दौड़ने का हुक्म दिया या चलने का हुक्म दिया। पूरी उम्मत कर रही है तो हम फर्ज कर लेते हैं कि सहाबा ने भी, सहाबियात ने क्या किया होगा, वो भी चली होंगी और नबी ने चलने का हुक्म दिया होगा। सराहतन नहीं है, लेकिन ये भी नबी ही से साबित है और बहुत सारे अहकाम है। तो जो हर मसले पर हदीस मांगता है ना, वो खुद इल्म से कोरा है, इसका मतलब उसके पास नॉलेज नहीं है। हदीस सराहतन होती है या दलालतन होती है, इसको दलालतन कहते हैं। जैसे इमाम मालिक, बहुत से मसाइल पूछा गया कि इसकी आपके पास क्या दलील है, उन्होंने कहा अहले मदीना ऐसे कर रहे हैं। क्या मतलब? जब मदीना वाले कर रहे हैं तो नबी ने किया होगा, तो नबी का अमल बराह रास्त नहीं।